आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से पहले हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा होगा, और उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा। ठीक है, ये जो हम लोग नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, ठीक है, उस नंबर्स का रेशियो निकालने का। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन आया, द फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ होल नंबर, रेशियो ऑफ होल नंबर, इट मीन्स इट मे बी द रेशियो ऑफ द नेचुरल नंबर ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात कर ले यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, होल नंबर का रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ होल नंबर। कोई भी दो नंबर, जैसे यहाँ बात करो 1/2, तो 1 और 2 दोनों होल नंबर है, 0 और 3 दोनों होल नंबर है, 5/6 दोनों होल नंबर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है तो उसका एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट होता है। अब एक यहाँ पे कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड, ये जो आप देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन विद जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसे पहले चैप्टर इंटीजर में पढ़ाया था हमने कि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकती, यानी डिवीजन ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड एट इन द मैथमेटिक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। कन्फर्म रहेगा कोई भी नंबर, ठीक है, जो रेशियो ऑफ होल नंबर के रूप में हो तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ओके, नाउ वी मूव फर्दर एंड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, लेट अस थिंक। फर्स्ट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शन, एंड द यूनिट फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर 1, एनी फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1, याद रहेगा सिर्फ 1 अगर रहे न्यूमरेटर तो इसको यूनिट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे या तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर 1 के अलावा कुछ रहता है तो या तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर, क्या होगा, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है, यानी बड़ा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। अंतर क्या होगा, या तो यूनिट फ्रैक्शन होगा या तो नहीं होगा। अगर यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर होगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर होगा। अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उसको डिवाइड तो कर सकते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इट मे बी मस्ट गेट द होल नंबर, देन देयर इज अनदर फ्रैक्शन कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऑल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब चलो और कुछ फ्रैक्शन लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 10,000 हो। इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज आइदर 10,000, इट मीन्स दे आर मल्टीपल पावर्स ऑफ 10, 10 पे पावर 1, 10, 10 पे पावर 2, 100, 10 पे पावर 3, 1000। अगर उसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स पावर में हो, ये भी कह सकते हैं, या तो कह सकते हो 10,000 लैक्स के रूप में अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 5/100 इट कैन बी रिटन एज 0.5, 7/1000 दिस कैन बी रिटन एज 0.007, यानी उसको डेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक बात आ गया, या तो फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन होगा, अगर यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा, अगर इम्प्रॉपर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन आएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर को देखें तो या तो डिनोमिनेटर 10,000 होगा या तो नहीं होगा। अगर 10,000 है, यू कैन कॉल इट डेसिमल फ्रैक्शन, अनलेस यू कॉल इट वल्गर फ्रैक्शन, यानी
डेसिमल फ्रैक्शन के अलावा जितने फ्रैक्शन है सब कौन सा है? वल्गर फ्रैक्शन है। तो रियल अगर बात करें तो हम पूरे फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शन जो होगा क्या होगा, आइदर वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। यानी जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आइदर वो डेसिमल होगा, आइदर वो वल्गर होगा, या तो डेसिमल होगा या तो वल्गर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। डेसिमल है तो ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है तो फिर से तीन बातें हो जाएंगी, या तो यूनिट फ्रैक्शन होगा, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या तो मिक्स फ्रैक्शन होगा। कन्फर्म टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ रहा है? कुछ और बातें आपको आगे बताते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंपेयर द फ्रैक्शन, ओके। हाउ डू वी कंपेयर द फ्रैक्शन? वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शन बाई इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इट मीन्स वी मस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर ऑल द फ्रैक्शंस। इट मीन्स मेनी फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर गिवन अ नेम एंड दैट नेम इज लाइक फ्रैक्शंस। इट मीन्स फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। हाउ कैन वी मेक इट लाइक फ्रैक्शन? बाई फाइंडिंग द LCM of denominator. First we find the LCM of denominator. Here 1/2, 2/8 and 3/5. ठीक है, if denominator is same already, then we need not to find the LCM of the denominator. Here the denominator is same. It is 1/2 and 5/2 is like fraction because denominator is same. समझ में आ रही है? यहाँ पे 13/10 and 5/10 is also are also like fraction because denominator is same, that is 10 for both. तो उस समय आप compare easily कर सकते हैं। If the denominator is same, then the fraction having greater numerator is larger. ठीक है, अभी यहाँ पे denominator same था, तो इसका numerator 1 है, इसका numerator 5 है, तो अभी आप इस दोनों में क्या देखोगे, 1 small है और 5 greater है, तो जो लार्जर न्यूमरेटर वाला होगा तो फ्रैक्शन लार्जर होगा, जो स्मॉलर न्यूमरेटर वाला होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो 5/2 इज ग्रेटर देन 1/2, सेम डिनोमिनेटर इज सेम, देन द फ्रैक्शन हैविंग द लार्जर न्यूमरेटर इज लार्जर फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन, ओके, इफ डिनोमिनेटर इज सेम। हेयर इज 13 एंड 5, 13 इज ग्रेटर देन द 5, देयरफॉर 13/10 इज ग्रेटर देन द 5/10। अगर आप कंफ्यूज हो तो ग्रेटर का साइन डाल लेना। जिधर ये दो डंडे होते हैं ना, यू नो स्पाइक्स बने होते हैं, चिड़िया का चोंच बना होता है ना, ये है ना, वो ग्रेटर होता है, ठीक है। और जिधर पूंछ होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे ये जो आपके पास नंबर है 1/2, 2/8, 3/5, ये अलग अलग फ्रैक्शन है बट दे आर नॉट हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। तो दोज फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ये लाइक फ्रैक्शंस हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में, तो उसको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द LCM। पहले क्या निकालेंगे, LCM, और जो LCM होगा वो LCM हमने क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शन है उस सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर देना, जस्ट लाइक द LCM। जैसे हमने यहाँ देखा, हमारे पास ये फ्रैक्शन है 1/2, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कितना करना है भाई, 40, तो बताना है कि न्यूमरेटर कितना होगा, तो इसके लिए अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से डिनोमिनेटर को भी और 20 से न्यूमरेटर को भी। अब यहाँ पे देख लो 2/8, 8 5 40, तो 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 5 8 40, तो 8 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जो अनलाइक फ्रैक्शन था वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्या करना है, याद रहेगा, फर्स्ट यू फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर, देन कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एज LCM, जो आपने LCM पता किया वो,
ठीक है, यानी अगर हमको कंपेयर करना याद रखना पड़ेगा, कंपेयर करने के क्या करना है, सबको लाइक फ्रैक्शन में कंफर्म करना है, किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। इफ़ यू चेंज द फ्रैक्शंस इनटू द लाइक फ्रैक्शन देन यू यूजली कंपेयर विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। समझ में आ रहा है? चलो अब बात करते हैं हम लोग, या तो फ्रैक्शन बड़ा होगा या तो छोटा होगा, क्या सेम फ्रैक्शन ला सकते हो? ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखो, ढेर सारा फ्रैक्शन जो सब सेम हो बट दिखने में अलग अलग, सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल रहा हो लेकिन वो फ्रैक्शन सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब वो क्या करते हैं, हम कोई भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 5/7, क्या ले लिया फ्रैक्शन 5/7, पहले 2/2 से कर दिया, फिर 3/3 से कर दिया, 4/4 से कर दिया, अब मर्जी हो तो फिर भी इसको 5/5 से कर दो, इसको 5/5 से कर दिया तो अपने आ गया 25/35, यानी 10/14, 15/21 और 20/28 एंड 25/35 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज दे रिप्रेजेंट 5/7। ओके, 5/7, इट मीन्स 5/7 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं तो वो जिसका इक्विवेलेंट होता है वो खुद फ्रैक्शन उन सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब हम कैसे पता करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता करने के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। अगर एचसीएफ कितना आता है, 1, कितना आएगा एचसीएफ, 1, अगर एचसीएफ 1 आ गया तो समझ लो वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके टर्म लोएस्ट टर्म में है, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। कंपेयर करना समझ में आ गया, डिनोमिनेटर सेम करना याद रखना, डिनोमिनेटर सेम करना और कितना करना ये पता करने के लिए सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का क्या निकालने का एचसीएफ। ओके, बढ़ो आगे, कंपेयर करना सीख गए तो ऐड करना भी सीख जाओगे। अगर इस दोनों को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा, सब में ऐड करना है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तब भी लाइक फ्रैक्शन में बदलना होगा। याद रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए किस में बदलना होगा, लाइक फ्रैक्शन में बदलना होगा। चलो देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ओके, हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन? फर्स्ट थिंग दैट कीप इन योर माइंड इज वी नीड टू चेंज द फ्रैक्शंस एज ए लाइक फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन है उसको किस में बदलना है, लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग, हमारा पहला फ्रैक्शन है 1/6 + 5/18। अब यहाँ पे बोथ हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, उसको लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हमने 6 और 18 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 18। अब हमने देखा 6 कितने टाइम्स में 18 आता है भाई, 3 टाइम्स में, तो हमने उसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 18 को देखा, 18 कितने टाइम्स में 18 बनाता है, तो 1, तो उसके न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से, हमारा आ गया 3 + 5/18 यानी कि 8/18। और अगर 8/18 को देखे तो ये पता है कि कोई ना कोई इसका एचसीएफ तो 1 होगा नहीं, इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, यानी 4/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सम 1/6 + 5/18। क्या सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। फटाफट यहाँ देख लो, एक ट्रिक बता दूँ मैं, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है या तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, अगर चेंज होने वाला है, अगर वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यू शुड चेंज देम फास्टली इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। चलो पहले से देख लिया हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहला काम क्या करना है, होल नंबर को ऐड करना है, तो हमने 2 और 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जो बचे हुए प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसे सिंपल काम करते थे वही हमने काम किया, हमारा आंसर आ गया 5 होल 4/9। देखो आसान हो गया, 2 और 3 = 5, 1/6 + 5/18 का सम आप पहले ही निकाल चुके हो। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 5 और 4 डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि ये क्या है, अनलाइक टर्म है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 और 4, दैट इज 20। नाउ हाउ मेनी टाइम्स 5 गिव्स द 20, 4, देन 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड हाउ मेनी टाइम्स 4 गिव्स द 20, दैट इज 5 टाइम्स, देन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन द करेक्ट आंसर इज 1 बाय
20, अगेन सेम प्रोसीजर, होल नंबर को अलग करो और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करो, फटाफट देख लो। 9 एंड 16 को हमने अलग कर लिया, 9 में से 16 गया तो सॉरी 9 और 6 को अलग अलग कर लिया, 1/5 माइनस 3/4 को हमने अलग कर लिया क्योंकि होल नंबर को अलग और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर लिया। फटाफट जब हमने एलसीएम सेम किया तो आंसर आ गया 3+4 -15/20। अब यहाँ पर एक कैच आ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आपको लग सकता है, यहाँ देख लो आंसर माइनस में आ गया, -11/20। अगर माइनस में है न्यूमरेटर तो आपको क्या करना है, होल नंबर में से एक कम कर दो, तो ये 3 है इसको क्या कर दिया कम, 1। अगर हम एक कम करते हैं तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देंगे, तो ये डिनोमिनेटर 20 था उसमें से 11 को घटा दिया तो 9/20 आ गया, समझ में आ गया। अगर क्या होता है, ऐड करने पर न्यूमरेटर नेगेटिव आता है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दो, ठीक है, जो आंसर आता है वो लिख दो, अब प्लस क्या करना है, जो होल नंबर उसमें से एक घटा दो। सेम कंडीशन यहाँ देख लो, 5+3 क्या हो गया, 8। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो 8 तो होल नंबर में आ गया और ये हो गया 7/6। अब आप देख लो ये 7/6 जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 7/6 इज कैन बी रिटन एज विच टर्म, जल्दी बताओ। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8+1 होल 1/6, तो 8 1 9 होल 1/6 इज द करेक्ट आंसर आ गया, 9 होल 1/6। चलो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये है हाउ मच शुड एडेड टू 2 होल 4/9 टू गेट द 4, ठीक है। देखिए क्या करोगे, हमने एक नंबर क्या ले लिया x, ठीक है, उसको हमने इसके साथ ऐड किया तो हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। अब x को निकालना के लिए सबसे पहले 4 9 2 18+4 22/9 प्लस x, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपका नंबर है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा ट्रांसपोजिशन के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो आपने चेंज किया ये नंबर आपका यहाँ पे आ गया, इसको फिर आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखा तो ये जो x है वो यहाँ पे रह गया, ये 22/9 राइट हैंड साइड चला गया तो ट्रांसपोजिशन के कारण उसका साइन चेंज हो गया और आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 1 होल 5/9। इट मीन्स वट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर विच वेन एडेड टू 2 होल 4/9 टू गेट द 4, दैट इज द 1 होल 5/9, करेक्ट, समझ में आ गया। अभी क्या करना है आपको, जाके अपने एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, पहले 2-3 एक्सरसाइज हो जाएगा, जो ऐड वाला होगा और सब्ट्रैक्ट वाला होगा फटाफट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर आगे कुछ नए टॉपिक के साथ।